दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब ब्लू नहीं बल्कि येलो जर्सी में धमाल मचाएंगे कैप्टन रोहित शर्मा। चेन्नई से मिला रोहित को करोड़ों रुपए का ऑफर। अब खुद रविंद्र जडेजा से लेकर उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने रोहित की चेन्नई में एंट्री को लेकर जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो मुंबई इंडियंस की नींद हराम हो गई है। तो आखिर कैसे रातों रात चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए रोहित शर्मा? ऐसा क्या कुछ कहा जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा ने हिटमैन की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए? उनका पूरा बयान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, जडेजा और हार्दिक में कौन सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने आपको 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया, आईपीएल की सबसे सफल टीम बनाया, इस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने धोखा देते हुए उनके आखिरी मोड़ पर उन्हें अपनी टीम से बाहर तक निकाल दिया। जी हां, बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा की। हिटमैन ने मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 10 साल मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए रोहित ने उन्हें 6 बार ट्रॉफी भी दिलाई थी, लेकिन आईपीएल 2024 से शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने रोहित को कप्तानी पद से हटा दिया। इस खबर ने तो हर तरफ अफरा तफरी मचा दी थी। जी हां दोस्तों, जैसे ही खबर सामने आई थी, रोहित शर्मा की जगह पर हार्दिक पांड्या को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया। मानो उनके फैंस का तो दिल ही टूट गया। आखिर हो भी क्यों ना, रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल, 1 ट्रॉफी को अपने नाम किया है और उनकी गिनती इस लीग के दिग्गज खिलाड़ियों में की जाती है। पर जब से हार्दिक मुंबई में आए थे, तब से ही अंदेशे लगाए जा रहे थे कि उन्हें कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रोहित की टीम में होते हुए हार्दिक कप्तानी करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस को ही अब उनका यह फैसला बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि अब दूसरी फ्रेंचाइजी रोहित को अपनी टीम का कप्तान बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और वो कोई और नहीं बल्कि सभी की चहेती चेन्नई सुपर किंग्स है। जैसे उन्हें आईपीएल के सबसे सफल कप्तान को हथियाने का मौका मिला, उन्होंने इस मिले मौके पर सीधा छक्का मारते हुए रोहित शर्मा को अपनी टीम की कप्तानी का ऑफर भेज दिया। साथ ही साथ रोहित को भी पूरे 20 करोड़ रुपए के ऑफर किए गए, यानी कि बहुत जल्द हमें रोहित और धोनी साथ में चेन्नई की तरफ से आईपीएल के मंच पर धमाल मचाते हुए नजर आने वाले हैं। इसका खुलासा खुद सर रविंद्र जडेजा ने अपने बयान में किया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा एक लेजेंडरी कैप्टन है, उन जैसा दूसरा खिलाड़ी न कभी था और न ही कभी भविष्य में हो पाएगा। ऐसे में रोहित जैसे खिलाड़ी को अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ना अपने आप में सम्मान की बात है। हर कोई चाहता है कि रोहित चेन्नई का हिस्सा बने। मैं खुद चाहता हूं कि रोहित मेरे साथ खेले, इसलिए यदि उन्होंने चेन्नई का ऑफर स्वीकार कर लिया तो वो आईपीएल और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए सबसे अच्छी खबर होगी। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो वहीं जडेजा की पत्नी रिबावा का कहना है कि रोहित शर्मा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, वो एक परिपक्व कप्तान है, उनके जैसा लेजेंड भारतीय क्रिकेट की दुनिया में दोबारा कभी नहीं होगा। मुंबई ने उनके साथ जो किया बेहद गलत है। रोहित अपनी आईपीएल में सबसे महान कप्तान है, उनके प्रॉपर फेयरवेल मिलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, उनकी गलती को हम सुधारेंगे। हम चाहते हैं कि रोहित चेन्नई के साथ खेलें, हमें पता है वो 3 से 4 साल आसानी से खेल सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं धोनी सर और मेरे पति के साथ रोहित भी हमारी टीम में शामिल हो। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी पद से हटाया, एक दूसरी फ्रेंचाइजी ने हिटमैन को अब अपनी टीम का कप्तान बनाने का ऑफर तक दे दिया है। इस खबर ने तो मुंबई इंडियंस की नींदें हराम कर दी। तो आखिर कैसे रोहित को छोड़ना पड़ा मुंबई इंडियंस को भारी? आखिर कौन है वो फ्रेंचाइजी जिसने अब रोहित शर्मा को अपनी टीम का कप्तान बनाना चाहा है? कितने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं कप्तान रोहित को अब आईपीएल 2024 के लिए? किस जर्सी में नजर आएंगे रोहित? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, हार्दिक और सूर्या में किसे मुंबई का कप्तान होना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने आपको 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया, आईपीएल की सबसे सफल टीम बनाया, उस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने धोखा देते हुए उनके आखिरी मोड़ पर उन्हें अपनी टीम से बाहर तक निकाल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा की। हिटमैन ने मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 10 साल मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए रोहित ने उन्हें 6 बार ट्रॉफी भी दिलवाई थी, लेकिन आईपीएल 2024 से शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने रोहित को कप्तानी पद से ही हटा दिया। इस खबर ने तो हर तरफ अफरा तफरी मचा दी थी। जी हां दोस्तों, जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई थी, रोहित शर्मा की जगह पर हार्दिक पांड्या को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। मानो उनके फैंस का तो दिल ही टूट गया। और आखिर हो ही क्यों ना, रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया था और उनकी गिनती इस लीग के दिग्गज खिलाड़ियों में की जाती है। वहीं पिछले 2 सीजन गुजरात टाइटंस की टीम कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑक्शन से पहले मुंबई ने 15 करोड़ रुपए में हार्दिक पांड्या को गुजरात से ट्रेड करते हुए अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था। जब से हार्दिक पांड्या आए थे, तब से ही अंदेशे लगाए जा रहे थे कि उन्हें कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन किसी ने सोचा
सोचा नहीं था कि रोहित के टीम में होते हुए ही हार्दिक कप्तानी करेंगे। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस को ही अब उनका ये फैसला बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि अब दूसरी फ्रेंचाइजी रोहित को अपनी टीम का कप्तान बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो कोई और नहीं बाकी सभी की चहेती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। जैसे ही उन्हें आईपीएल के सबसे सफल कप्तान को हथियाने का मौका मिला, उन्होंने इस मौके पर सीधा छक्का मारते हुए रोहित शर्मा को अपनी टीम की कप्तानी का ऑफर भेज दिया। साथ ही साथ रोहित को पूरे 20 करोड़ रुपए भी ऑफर किए गए हैं, यानी कि बहुत जल्द हमें रोहित और कोहली साथ में बेंगलुरु की तरफ से आईपीएल के मंच पर धमाल मचाते नजर आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस ऑफर पर अब तक रोहित का रेस्पॉन्स सामने नहीं आया है, लेकिन जिस अंदाज में रोहित को मुंबई ने हटाया था उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहित शर्मा बेंगलुरु के इस ऑफर को स्वीकार कर बेंगलुरु को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने के सफर पर निकल सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तब तो बाकी 9 टीमें पहले ही हार मान जाएंगी। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह से लेकर रोहित शर्मा को धन्यवाद करते हुए नीता अंबानी ने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं उनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्यों रोहित शर्मा की जगह हार्दिक बने कप्तान, ऐसा क्या कुछ बताया है नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को नम आंखों से विदा करते हुए। रोहित के फैंस के दिल तोड़ने वाले उनके पूरे बयान को हम आपको जरूर दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में किसे होना चाहिए मुंबई का कप्तान, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का ऑक्शन कुछ दिनों में होने वाला है और उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़कर मुंबई इंडियंस में वापसी का फैसला किया था और तभी से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब मुंबई इंडियंस की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है। टीम की ओर से बयान दिया गया कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 में टीम का कप्तान बनाया गया है और एक ट्रांजिशन फेज स्टार्ट किया गया। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा की जगह लेंगे। बता दें रोहित शर्मा साल 2013 से ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे और पिछले 10 साल में वो आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक गिने जाते थे। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप 2023 में मिली हार के बाद से ही ये अंदेशा लग रहा था कि रोहित इस बार आईपीएल में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साल 2013 में जब रिकी पोंटिंग की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम स्ट्रगल कर रही थी तब रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई थी। उसके बाद से ही रोहित शर्मा लगातार मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब 10 सालों के बाद इस सफर का अंत हो रहा है। 36 साल के रोहित शर्मा की ओर से शायद आईपीएल में भी ट्रांजिशन फेज स्टार्ट कर दिया गया है। तभी ये कठिन फैसला लिया गया जब हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड करके मुंबई इंडियंस के साथ लाया गया। तभी ये साफ हो गया था कि हार्दिक को लेकर मुंबई इंडियंस का काफी बड़ा प्लान है। बता दें कि हार्दिक पांड्या को ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ रुपए की फीस के साथ गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर लिया। ये खबर सुनकर तो रोहित के फैंस का दिल टूट गया, लेकिन अब खुद नीता अंबानी ने भी इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, नीता अंबानी ने कहा कि हम रोहित शर्मा के बतौर कप्तान शानदार करियर के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत अब हार्दिक को कप्तान बनाया गया है। मुंबई इंडियंस में सचिन से हरभजन और रिकी से रोहित के तौर पर लीडर्स आए हैं और अब हार्दिक पांड्या की बारी है। तो केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि रोहित जब साल 2013 में आप कप्तान बने थे तब आपने हमसे भरोसा करने को कहा था। जीत या हार कुछ भी हो, आपने हमें स्माइल करना सिखाया था। 10 साल 6 ट्रॉफी और आपकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। आप हमेशा हमारे कप्तान रहेंगे। ब्लू और गोल्ड में आपकी लेगेसी हमेशा फॉलो की जाएगी। थैंक यू रोहित।